हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तवा आलू सैंडविच, आलू चाट सैंडविच। ये सैंडविच आपको खाने में इतने मजेदार लगेंगे कि आप चाट भूल जाएंगे इसके सामने। ये देखिए, हमने इसमें लिया है बटर जो हमने रूम टेम्परेचर पर कर लिया है, चार लिए हैं हमने ब्रेड के स्लाइस, और ये हमने चार से पांच आलू उबाल कर उनको ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और ये मैं आपको दिखाऊं, एक प्याज बारीक काट ली है छोटी सी, और एक हरी मिर्च काटी हुई है, कुछ अनार के दाने हैं, और ये मैंने धनिया पत्ती नहीं थी तो मैंने कुछ चार से पांच पुदीना पत्ती बारीक काट ली है। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है। ये ली है हमने हरी चटनी जो घर की पिसी हुई है, मैंने वीडियो डाली हुई है, ये मैं बनाकर रखती हूँ। लाल चटनी जो चाट में काम आती है, और ये देखिए आप, हमने लिया है नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, चाट मसाला लिया है 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है आधा चम्मच, और अमचूर पाउडर भी मैंने 1/4 चम्मच ही लिया है। तो अब हम करते हैं इसको सबको इसमें मिक्स। पहले सारे ड्राई मसाले डाल लेते हैं इसमें, इसको चम्मच की सहायता से करेंगे मिक्स। और यहां पे आप ना टेस्ट करके देख लें कि ये चटपटा होना चाहिए, आलू की चाट बना रहे हैं तो चटपटा होना चाहिए ये सब। अब हम इसमें, क्योंकि अगर हम आलू लगाने के बाद डालेंगे ना तो वो निकलेगा फिलिंग से, तो हम थोड़ा सा इसी में मिला देते हैं हरी मिर्च, अनार के दाने। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, तीखा नहीं खाते तो मत डालिए। अब इनको करते हैं मिक्स। इस समय हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे अच्छे से मिक्स करके। और बहुत परफेक्ट है सब कुछ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, बहुत ही अच्छा बना है, और चटनियों में भी सब में नमक है। तो आइए ब्रेड पर लगाते हैं। अब हमको क्या करना है, ये ब्रेड स्लाइस लेना है और इसके ऊपर ये बटर को लगाना है। बटर हम इसलिए लगा रहे हैं, हल्का लगाएंगे ताकि क्या है, चटनी हरी चटनी और जब हम मीठी चटनी लगाएंगे ना, उससे ब्रेड सौगी ना हो। इस तरह से चारों तरफ से हम इसको बटर से ग्रीस कर लेंगे और दूसरी तरफ भी लगाएंगे, ऐसे ब्रेड को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ भी हम इसको बटर से ग्रीस करेंगे। बटर हमने लगा लिया है, देखिए आप बहुत अच्छे से ये लग गया है। अब हम इस पर लगा रहे हैं ये हरी चटनी, और इसको अच्छी मात्रा में हम लगाएंगे क्योंकि इसी से हमारे जो सैंडविच है ना, बिल्कुल चटपटे चाट जैसे बनने वाले हैं। एक स्लाइस पर हमने लगाई है हरी चटनी चारों तरफ से, बिल्कुल किनारे पर भी, ताकि किसी बाइट में ना ऐसा ना लगे कि यहां टेस्ट कम लग रहा है। इधर भी हमने दोनों तरफ बटर लगा लिया है, और अब हम इस पर लगा रहे हैं ये इमली वाली चटनी। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चटनी का लिंक दे दूंगी, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी है, और ये करीब 15 डेज से मैंने बनाकर रखी हुई है। जैसे ही कोई आता है आपके पास पपड़ी रेडी है तो आप पपड़ी चाट बनाकर दे दीजिए। इस टाइप से हम चारों तरफ से इसको लगा लेंगे, लग गई ना अच्छे से। अब हम इस पर करेंगे आलू की फिलिंग, आलू की फिलिंग रखेंगे इसके ऊपर, और जितनी भी आप चाहते हैं, जितना आप फिलिंग रखना चाहते हैं उतनी आप रख लें, और इसको हाथ से हम थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा देंगे, फैला देंगे चारों तरफ से बराबर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये रेसिपीज ला रही हूं, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइप से हमने इसको कर लिया है तैयार,
और इसके ऊपर रखेंगे अब हम ये हरी चटनी वाला सैंडविच। और आप देख रहे हैं दोनों तरफ बटर लगा है, तो आइए अब इसको सेक लेते हैं तवे पर। और ये देखिए हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे, सेकेंगे। तो ये आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रिल करें, लेकिन यकीन मानिए ये सैंडविच बहुत यम्मी लगते हैं। तो एक तरफ से सिकने की इंतजार करते हैं, तो सैंडविच को पलटकर हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसको भी हम इधर से सेक लेंगे और बहुत बहुत अच्छा लगेगा ये सैंडविच। इसको करते हैं चेक, और ये देखिए हमने इसको थोड़ा सा अच्छा क्रिस्पी किया है, कितना बढ़िया ये सैंडविच बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा। और ये सोगी नहीं होगा क्योंकि हमने हल्का सा इसमें बटर लगाया है, और ये चटपटा सा सैंडविच जो है वो बनकर तैयार है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं दूसरा भी आपको सेक कर बताती हूँ, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितना बढ़िया ये सैंडविच बना है, तो दूसरा बनाते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने दोनों सैंडविच सेक लिए हैं, इनको कट करके दिखा दिया है आपको। करते हैं इसकी प्लेटिंग, किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। तो सैंडविचेस बहुत टेस्टी है, देखिए मैं कट कर रही हूँ, मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यमी से लगने वाले सैंडविच जो है वो बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। सी।